अरे दोस्तों, अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। जय माता दी। दोस्तों, आपकी हंसी दुश्मन की रातों की नींद उड़ा देगी। कैसे होगा ये? हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों कि जब आप कहीं भी सफर करते हैं तो आपको यदि देर हो जाए, रात्रि हो जाए, तो उस निर्जन स्थान से भी गुजर जाते हैं और आपको पता भी नहीं रहता। आप सकुशल वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन जब आपको पता चले कि उस स्थान पर किसी प्रेत आत्मा का वास है, भूत प्रेत का वास है, तब आपको इतना भय लगना लगेगा कि आप अब फिर दोबारा से उस स्थान पर से गुजर नहीं सकते। बस दोस्तों, हम आपको यही बात आपके दिमाग में डाल देना चाहते हैं। दोस्तों, कारण क्या है इसका कि एक खौफ बैठ जाता है आपके अंदर और वो खौफ आपको जकड़ लेता है, इतना जकड़ लेता है कि अब आपको उस रास्ते से जाने से रोकता है। दोस्तों, बस यही एक कारण है कि आपका शत्रु आपके लिए खौफ पैदा करता रहता है। और दोस्तों, यही खौफ, यही भय आपके अंदर व्याप्त होने लगता है। आपके मस्तिष्क की जो ग्रंथियां हैं उस खौफ को जकड़ लेती हैं। दोस्तों, यही तो चाहता है आपका शत्रु। बस दोस्तों, आपको करना क्या है, इन ग्रंथियों से उस खौफ को छुड़वा देना है। आपने सिर्फ एक अभ्यास शुरू कर देना है कि आप छोटी छोटी बातों पर हंसना शुरू कर दें, मुस्कुराना शुरू कर दें। दोस्तों, जब आप हर छोटी छोटी बात पर मुस्कुराओगे तो ये आपके जीवन की आदत बनती चली जाएगी। दोस्तों, आपको कोई विषय ना मिले हंसने का तो आप एकांत में बैठकर अपने आप ही अपने आप पर हंसिए। आप देखना, आप अपने आप पर हंसते हंसते और आपका ऐसा माहौल बनेगा कि आप हर स्थिति में हंसने लगेंगे। फिर क्या होगा दोस्तों, मैं आपको स्मरण करा दूं कि आपका शत्रु आपकी हर गतिविधि पर नजर रखता है। यदि आपकी हर गतिविधि पर शत्रु की नजर नहीं हो तो फिर वो शत्रु ही कैसा। पर दोस्तों, जब शत्रु को इस बात का पता चलेगा कि आप हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं, तब वो समझ जाएगा कि उसकी बातों का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, आप खौफ जदा नहीं हैं, आपको कोई भय व्याप्त नहीं हो रहा। तब क्या होगा दोस्तों, शत्रु अपने आप में ही परेशान रहने लगेगा, उसकी रातों की नींद उड़ने लगेगी। तब आप देखना दोस्तों, यदि एक महीना भी आप इस प्रयोग को कर लेते हैं तो एक महीने में शत्रु की वो हालत हो जाएगी कि आपको उसकी दशा पर भी तरस आएगा। दोस्तों, क्योंकि शत्रु का कोई कार्य पूरा नहीं हो रहा जो वो चाहता है, तब वो परेशान होकर इस प्रकार की हरकत करनी ही छोड़ देगा और आप शत्रु से तुरंत मुक्त हो जाएंगे। कुछ दिनों के बाद वह शत्रु ही आपके मुस्कुराने पर आपसे समझौता करने के लिए आ जाएगा। दोस्तों, कैसा लगता है आपको अपना यह प्रोग्राम? यदि आपको पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुस्कुराने वाली बात हमेशा याद रखें। और एक महीने के बाद जब यह प्रयोग आप कर लें तब आप हमें इसके बारे में अवश्य बताएं। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले अंक के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद।